Hello everyone, you are welcome to class. Today we will be doing Indigo by Louis Fisher. ये जो chapter है Indigo by Louis Fisher, ये है महात्मा गांधी के बारे में और उनके movements के बारे में. ये जो story है वो एक interview पे based है. This story is based on interview. ये जो interview लिया था वो लिया था Louis Fisher ने, और किसका लिया था? ये लिया था महात्मा गांधी का. ये interview क्यों लिया था? ये लिया था क्योंकि उन्होंने 1942 में उनका आश्रम सेवाग्राम उन्होंने विजिट किया था और महात्मा गांधी ने उन्हें इंडिगो मूवमेंट के बारे में बताया था. ये जो स्टोरी है ये किस चीज़ के बारे में है? ये है उनके स्ट्रगल के बारे में और जो प्रोमिनेंट लीडर थे उनके स्ट्रगल के बारे में, जो कि उन्होंने शेयर क्रॉपर्स के लिए स्ट्रगल किया था. अब कुछ नए वर्ड्स हैं जो हमें याद करने हैं, जैसे कन्वेंशन हो गया. कन्वेंशन मीन्स होता है एग्रीमेंट, और डेलीगेट मीन्स होता है रिप्रेजेंटेटिव. पीजेंट मीन्स होता है स्मॉल फार्मर, छोटे किसान. और इमेसिएटेड मीन्स होता है थिन, पतला. आप वीडियो पॉज कर सकते हैं अगर आपको किसी वीडियो को ज़्यादा देर तक देखना है. शेयर क्रॉपर्स मीन्स होता है अ टेनेंट फार्मर हु गिव्स अ पार्ट ऑफ ईच क्रॉप, जो क्या करता है कि अपने शेयर क्रॉपर वो एक अपने क्रॉप का एक हिस्सा रेंट पे देता है, किराए पर देता है. रेजोल्यूट मीन्स होता है डिटरमाइंड, मीन्स होता है आपका दृढ़ निश्चय. कमिटेड मीन्स होता है डेडिकेटेड. अकम्पनीड मीन्स गोइंग विथ समवन, किसी के साथ जाना, और आप कह सकते हैं एस्कॉर्ट भी इसको बोला जाता है. टेनिसिटी मीन्स होता है डिटर्मिनेशन, अगेन दृढ़ निश्चय. और बोर्डेड और मीन्स गेट ऑन, किसी चीज़ पे चढ़ जाना. और एंटर पेस्टर्ड मीन्स होता है बॉदर या हैरेस करना. और पर्मिनेंट मीन्स होता है अलाउ करना.